अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इट्स मी निशा औरंगजेब एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल गुड। एवरीवन हु इज़ वॉचिंग प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। अच्छा, तो आज मैं इतनी जल्दी उठ गई थी, नींद ही नहीं मुझे आ रही थी, तो फिर मैंने बोला उठ ही जाते हैं। फिर उठ के मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, और अपने लिए नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने मामा के लिए चाय बनाई, क्योंकि मुझे पता था मुझे पूरा दिन अब इतनी जल्दी उठ गई हूँ और तो काम कोई होना नहीं, तो मैं मामा के साथ साथ काम कर दूँ। फिर मैंने मामा के लिए चाय बनाई, और फिर मैंने बाहर जाकर देखा, इतना प्यारा मौसम बना हुआ था आजकल, बिल्कुल सूरज नहीं निकल रहा। और फिर मैंने मामा के साथ थोड़ी सफाई शफाई की, उसकी मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड की। फिर उसके बाद मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ी थी, फिर हमने कोई चीज़ें लेने जाना था तो हम कंसूम पर चले गए थे। वहाँ पर ये स्नैक्स वगैरह एरिया वाला एरिया था, और ये जूसेस और फ्लेवर्ड मिल्क वाला एरिया था। यहाँ पर बिस्किट्स लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के बिस्किट्स थे, ये चॉकलेट्स लगी हुई थी, और यहाँ पे इतनी मज़े की चॉकलेट्स होती हैं यहाँ पे, तो मेरा दिल मेल्ट हो जाता है बस। फिर हमने थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, बिस्किट और आइसक्रीम जूस वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। और यहाँ से हमने अपनी बिलिंग करवाई थी, और जब हमारी बिलिंग में काफ़ी टाइम लग रहा था, और फिर बिलिंग जब हो गई, फिर उसके बाद मैंने घर जाके अपने लिए सैंडविच बनाया था, और ये सैंडविच की वीडियो काफ़ी लंबी बन गई थी। इसमें मैंने स्विच लगाया, और फिर मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि बन जाए, लेकिन बन ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। शुक्र है थोड़ी देर के बाद आखिरकार सैंडविचेस बन गए थे, फिर मैंने वो खाए पिए, और फिर उसके बाद मैंने ये थोड़ी सी पढ़ाइयाँ की थी, और अब मैं शुक्र है मैं बिगिनर से एडवांस लेवल पे आ गई हूँ, वरना वो बिगिनर वाला लेवल पास करना इतना मुश्किल था। शुक्र है वो पास हुआ है और अब मैं इस लेवल पे आई हूँ। ये करने के बाद, पढ़ने के बाद, मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर हम लोग बोर हो रहे थे, तो मैंने और मेरी छोटी बहन ने ग्लोब पे पाकिस्तान वाला एरिया ढूंढने का सोचा। यहाँ पर मेरी छोटी बहन ढूंढ रही थी, ये उसको गलत मिल गया था, मंगोलिया पे पाकिस्तान समझ के बैठी हुई थी, और हम लोग ढूंढ रहे थे यहाँ पे, फिज़ा ढूंढ रही थी, लेकिन उसे मिल कोई नहीं रहा था। इतनी देर उसने ढूंढा है, ढूंढती रही मैंने, तो वीडियो तो थोड़ी सी बनाई है, कब से ढूंढ रही थी, ना ढूंढा है फिज़ा ने, लेकिन फिर भी उसको एंड पे नहीं मिला। अभी इधर मेरी बारी थी, मैंने ढूंढना था, और ये मैं ढूंढ रही थी, और मेरी बहन रिकॉर्डिंग कर रही थी। खैर मुझे काफ़ी जल्दी मिल गया था, क्योंकि मैंने पहले से देखा हुआ था, तो इधर मुझे मिल गया, मेरी बहन बहुत हैरान हो रही थी कि इतनी जल्दी मिल गया है। अच्छा, फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और फिर मैंने पास्ता खाया जो मामा ने बड़े मज़े का बनाया था। उसके बाद हम लोग रात को वैसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे, और यहाँ पे ये न्यूज़ लगी हुई थी जो कि बहुत ही बोरिंग थी, उसको सुन के हम बहुत बोर हो रहे थे, मैं बहुत बोर हो रही थी, बाकी सब तो बड़े मज़े से देख रहे थे, तो मैं तो बस गेम ही खेलने लगी थी मोबाइल पे, क्योंकि इसको देख के इतनी बोरियत हो रही थी, दिल ही नहीं था कारा देखने को। खैर काफ़ी देर ये लगी रही, और फिर उसके बाद मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, मैं सो गई। दैट्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।